नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंगी कॉलेज कुचरा की ऑनलाइन वे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र। पहले वाले जो तीन वीडियो है उसमें हमने अरब सागर के अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है। अफवाह तंत्र का तीसरा पार्ट बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जिसको अगले दो तीन वीडियो में पूरा करेंगे। तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है 23%। हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियां, लगभग चार नदियां जो पड़ी थी हमने, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी, जो कि अपना जल अरब सागर तक ले जाती है। यह एक पहला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान की कोई ऐसी नदी है जो प्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है? उत्तर नहीं। कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है, अन्य सहायक नदियों के माध्यम से ले जाती है। तो बंगाल की खाड़ी तक जल ले जाने के लिए जो नदियां हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण नदी हिमालय प्रदेश से निकलने वाली गंगा, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा की सहायक नदी इधर आती है एक यमुना, इन दो नदियों की सहायता से हमारा जल है या नदियों का जल है वो बंगाल की खाड़ी तक जाता है। राजस्थान की तीन नदियां हैं जो यमुना मिलती है, चंबल, बाणगंगा और गंभीर। ये नदियां हैं वो यमुना मिलती है, यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा से अपना जल ले जाते हैं बंगाल की खाड़ी तक। तो ये जो अफवाह तंत्र, ये अप्रत्यक्ष रूप से इसको समझना, याद रखना है। वैसे एक सामान्य रूप से गंगा की सहायक नदियां यदि याद करते हैं, गंगा की सहायक नदियां एक तो यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। गंगा की सहायक नदियां ये तो इधर से मिलती है, यदि ऊपर से याद करते हैं तो शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्रम से शारदा को गागरो गंडक कोसे, शारदा गागरा गंडक कोसी, शारदा को गागरो गंडक कोसे, ये अन्य चीजें हैं। हम आते वापस राजस्थान के अफवाह तंत्र को, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले चंबल नदी के बारे में। चंबल बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। राजस्थान की तीन नदियां जो कि छह जिलों से होकर गुजरती है, तीन नदियां कौन कौन सी है उसमें एक है चंबल, ट्रिक भी है चंबल, चे का मतलब चंबल, बे का मतलब बनास, ले का मतलब लूणी। तो एक महत्वपूर्ण नदी चंबल, एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे हम इसको। दोस्तों चंबल नदी को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी के उपनाम। नंबर एक चरमणवती। हो सकता है ऐसा प्रश्न आता है कि वैदिक काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? चरमणवती, और इसका उपनाम भी मानते हैं राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु देवताओं की एक गाय थी जो हमेशा दूध, ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार लोगों की कामना होती कामना को पूरा करने वाली थी, इसी प्रकार ये नदी हमें हमेशा पानी देती है और आसपास के लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाली है, अतः इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की एकमात्र नदी नहीं है, कई जगह लिखा हुआ एकमात्र, दो नदियां हैं जो बारहमासी है। एक तो है
चंबल नदी, इसके अलावा एक हम जो पहले पढ़ चुके हैं मही नदी, ये भी बारहमासी नदी है। तो इसे बारहमासी या नित्यवाही हमेशा बहने वाली नदी भी कहा जाता है, सदावाहिनी सदा बहने वाली नदी भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में इसके पर सबसे पहले पढ़ते हैं उद्गम कहां से निकलती है। एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर जिला, इंदौर जिले में महू नामक स्थान पर, महू है भीमराव अम्बेडकर के जन्म स्थल या उनके उनका गांव उनसे संबंधित है। एमपी इंदौर महू स्थान, इसमें सब कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत है। महू कौन सा स्थान, महू, महू में पहाड़ियां हैं वह जानापाव की पहाड़ियां, याद रखना है जानापाव। ऐसे किस पर्वत श्रेणी है तो वह विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं जनापाव वहां से निकलती है। दो चीजें यहाँ पे रखनी, पूरा डिटेल समझना है, लेकिन महू जनापाव हो सकता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां भी पूछ सकते हैं। तो उद्गम स्थान यहां से इन पर्वत श्रेणी से निकलने के बाद ये बहती है ऊपर की ओर। ऐसे ध्यान रखना भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है वह है चंबल नदी। बाकी नदियां हैं वो या तो ऊपर हिमालय पर्वत से नीचे की ओर बहती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर, या पश्चिमी घाट से निकलती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यहां से आगे निकलने के बाद ये एमपी में बहती है, इस पर जो बांध उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, राजस्थान में इस क्षेत्र पर यहाँ एक जिला है चित्तौड़गढ़ और बीच में भीलवाड़ा, फिर एक हिस्सा और आता है वो भी है चित्तौड़गढ़ का जिला है चित्तौड़गढ़। कौन से जिले से, चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी, चंबल, दोनों में चार है। स्थान कौन सा, चौरासीगढ़। स्थान चौरासीगढ़, नदी चंबल, जिला चित्तौड़गढ़। इसके जस्ट आगे थोड़ा सा कहते हैं 5-7 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाने पर भी एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम है चोलिया जलप्रपात। संयोग से सबका नाम चय से शुरू है, याद रखने के लिए जी। चंबल नदी किस जिले में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के किस स्थान पर प्रवेश करती है, चौरासीगढ़। और कौन सा जलप्रपात बनता है, चोलिया। प्रश्न, चोलिया जलप्रपात किस जिले में बनता है, चित्तौड़। किस नदी पर बनता है, चंबल। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है लगभग 18 मीटर या कह सकते हैं 60 फुट। इसके बाद ये नदी आगे बहती है इधर चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, और कोटा के बाद ये बूंदी, इधर है बूंदी, इधर ये है कोटा। बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है इसे, और फिर आगे जाती है सवाई माधोपुर। ध्यान रखना प्रश्न पूछा जाता है यहां से, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं बहती है, तो उसमें ऑप्शन में आता है एक तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारा। बारा में नहीं बहती है ये नदी और झालावाड़ में नहीं बहती है, और जो दो तीन बार प्रश्न आया उसमें ऑप्शन नहीं होता है, बारा में नहीं बहती। मुख्य रूप से इन तीन जिलों में ही बहती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई है वह 966 किलोमीटर। अलग अलग लंबाई दी हुई है, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आया था उसमें उत्तरी से 966 को माना गया, कुछ जगह 965 दिया गया, लेकिन इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही होगा। लंबाई कुल लंबाई है इसकी, लेकिन हमारे बात यह है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है,
135 किलोमीटर मात्र, कहां से कहां तक? ये यहां चित्तौड़गढ़ में यहां से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी और कोटा की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है वो बूंदी और कोटा की प्राकृतिक सीमा बनाती है? चंबल। इसके बाद ये यहां प्रवेश करता है तो यहां आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। उसके बाद में आता है करौली, फिर आता है धौलपुर। इन तीन जिलों में बहती है, लेकिन ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। कौन सी नदी है जो कि राजस्थान और एमपी की अंतर राज्य सीमा बनाती है? चंबल। राजस्थान ही पूरे भारत की सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा नदी बनाती है, वो बनाती है राजस्थान और एमपी की। और इसकी कुल लंबाई है 241 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है तो यही आता है, कितनी अंतर राज्य सीमा बनाती है राजस्थान एमपी के बीच में, तो 241 किलोमीटर। इससे पहले ये लगभग 325 हुआ, 300 किलोमीटर चलती है कहां पर? एमपी। लंबाई से संबंधित प्रश्न ये दो तीन जो आंकड़े ये याद रखने, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ध्यान रखना इन तीन जिलों में केवल सीमा बनाती है। आगे देखते हैं इस पर प्रमुख बांध कौन कौन से बने। तो दोस्तों आगे चंबल नदी के प्रमुख बांध, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने? चंबल नदी। चार बांधों के मैंने नाम लिखे यहां पर, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। चार बांध है। वैसे बांध और बैराज में यहां पर अंतर है, जिसका उद्देश्य सिंचाई करना होता है और पेयजल होता है वो तो आता है बैराज में, और बहुउद्देशीय या बांध है उसके उद्देश्य वहां पर बिजली उत्पादन, पेयजल और अन्य कई प्रकार, बहुउद्देशीय बहुत ज्यादा उसके उपयोग होते हैं। लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से, राजस्थान का कौन सा बांध जो सिंचाई के लिए है? तो कोटा बैराज। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा बांध जो चंबल नदी पर तो है लेकिन राजस्थान में नहीं है, या चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से राजस्थान में नहीं है? उत्तर था गांधी सागर बांध, जो कि राजस्थान में जो यहां चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है उसे लगभग 8 किलोमीटर पहले ही एमपी में, कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर बांध। दूसरा प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है? उत्तर गांधी सागर। प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित सब राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध, भराव की क्षमता से पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, और चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से राजस्थान का सबसे बड़ा, क्योंकि राजस्थान में नहीं है एमपी में। सबसे अधिक यहां से बिजली का उत्पादन और सबसे सस्ती भी मानी जाती है, यहां से जो बिजली उत्पादन होता है वो सबसे सस्ता होता है। राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह यहीं पर है। जवाहर सागर बांध, इससे भी बिजली उत्पादन होती है, तो इन तीन बांधों से बिजली का उत्पादन होता है। कोटा बैराज, इससे किसी प्रकार की बिजली का उत्पादन नहीं होता, विशेष रूप से सिंचाई और पेयजल योजना के। अब इनका क्रम याद रखना है, कोई भी सूत्र बनाओ, कोई भी ट्रिक बनाओ, अपना सूत्र अपना ट्रिक। इसमें बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में या फिर चंबल नदी पर निर्मित बांधों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, गांधी, राणा प्रताप सागर, जवाहर और कोटा बैराज। सामान्य रूप से कैसे याद कर सकते हैं तो हम एक ट्रिक बनाते हैं, गांधी जी आर जे नंबर, राजस्थान के नंबर होते हैं आरजे नंबरों की गाड़ी से, या फिर तो आरजे की गाड़ी से कोटा गए, गांधी जी आरजे की गाड़ी से, या राजस्थान जो नंबर होता है आरजे लगाते हैं, तो गांधी जी आर का मतलब है यहां पर
राणा प्रताप सागर, जय का मतलब जवाहर सागर, कहां गए कोटा। इनका क्रम ऐसे याद रखना आपको, कोई भी ट्रिक बनाओ आप क्रम से ही बनना इनका। यदि ऊपर से ऐसे पूछ ले तो पहले कोटा बिराज, उसके बाद जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और अंत में गांधी सागर। इसके बाद जब ये नदी आगे चलती है तो जो पहले पड़ा था तीन राज्यों में, तीन जिलों में बहती है, उसके बाद ये सीमा बनाती है, इसके बाद ये प्रवेश करती है यूपी में। यूपी में ये मिलती है यमुना नदी में। यमुना नदी में यहां पर मुरादाबाद या मुरादागंज, इटावा। तो एक राजस्थान की तीन नदियां हैं जो कि तीन स्टेट या तीन राज्यों से, ये एमपी, राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों से होकर बहती है। इधर जो हमने माही पढ़ी थी वो भी एमपी, राजस्थान और गुजरात। एक आंतरिक प्रवाह की नदी जो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन नदियां हैं जो कि तीन तीन राज्यों से प्रवाहित होती है। छह जिले कौन से पड़े थे, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, ये छह जिलों से प्रवाहित है। जिलों का भी क्रम याद रखना आप, किन, हाँ ये भी याद रखना किन तीन जिले, कौन से तीन जिले हैं जिनमें ये राज्य की सीमा बनाती है, क्योंकि हो सके पूछ ले निम्न में से कौन सा जिला है जहां पर ये अंतर राज्य सीमा नहीं बनाती है, तो कोटा यह नाम है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है तो पूरा पूरा आप याद करेंगे। तो दोस्तों चंबल नदी की कुछ विशेषताएं, कुछ जहां से प्रश्न बनते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। राज्य की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, लेकिन प्रश्न पूछा था पूर्णतः बहाव के आधार पर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, तो उत्तर होता है बनारस, जिसका उद्गम भी राजस्थान से होता है और पूर्ण राजस्थान बहने के बाद वो चंबल नदी में मिल जाती है। प्रश्न है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब उत्तर होता है गग्गर। पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, तब उत्तर होता है कांतली। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़े, प्रश्न को आगे पीछे देखें, कहीं आंतरिक प्रवाह, पूर्णता या पूर्ण बहाव, ऐसे जो शब्द है उन प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, यह भी चंबल। सतही जल का मतलब होता है भूमि के ऊपरी भाग पर जो जल बहता है उस आधार पर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो वृक्षाकार है, जो जिस क्षेत्र में बहती है वो एक वृक्षाकार या वृक्ष के रूप में बहती है, वृक्षाकार प्रवाह क्षेत्र को वृक्षाकार कहते हैं। इस नदी में एक जीव मिलता है जिसका नाम है गांगे सुस जीव। तो इस नदी में कौन सा जीव मिलता है, हो सकता है प्रश्न। चंबल नदी पर कोटा शहर बसा है, या प्रश्न कोटा शहर है वो किस नदी पर बसा है या किस नदी के किनारे बसा है, कोटा शहर किस नदी के किनारे या तट पर बसा हुआ है। घड़ियालों की प्रजनन स्थल यहां बहुत सारे अभ्यारण है जिसमें घड़ियालों को शरण दिया जाता है। सर्वाधिक बिहेड़ भूमि, बिहेड़ क्या होता है, चंबल नदी जिस स्थान से बहती है ये कुछ ऐसे चट्टाने जिसमें चूना युक्त पत्थर होते हैं, तो जब नदी बहती है तो चूना युक्त पत्थर होते हैं वो उसमें रासायनिक क्रियाओं से अन्य प्रकार के घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, तो वहां पर अलग प्रकार बड़े बड़े खड्डे जो होते हैं उसको कहते हैं बिहड़ क्षेत्र। तो यहाँ जो सवाईमाधोपुर में ये बिहड़ क्षेत्र सबसे अधिक मिलता है, सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर जो आगे का क्षेत्र है बिहड़ क्षेत्र होता है, जहां पर ऐसा कहता है डाकू बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है डाकुओं की शरणस्थली कौन सी नदी है, चंबल नदी। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, जब पानी बहता है तो पानी दो आधार बहता है, इसका ऊपरी भाग और एक नीचे का भाग, ध्यान रखना। कभी भी आप कोई नहर में कहीं जाते हैं तो पानी का नीचे का हिस्सा जो है वो तेज बहता है जबकि ऊपर का हिस्सा है वो कम तेज गति से बहता है। जब भी कहीं मोड़ आता है, वैसे भी नदी जब एक सामान्य ढलान कम होती है
जब बहती है तो उसके पार्श्व भाग अधिक कटते हैं, और जब ढलान अधिक होती है तो इसका अध्याय स्थल पेंदा अधिक कटता है, और जब मोड़ होता है तो इसके जो नीचे का पानी है वो आगे सामने की जो होती है उसको जो भी मतलब मिट्टी जो भी होगा पार्ट उसको अधिक काटते हैं। इस प्रकार इसके के काटने से जो अपरदन होता है, अपरदन का मतलब होता है अपने साथ बहकर ले जाने वाले पदार्थ, जो मिट्टी को काटते हैं तो ये नदी सबसे अधिक काटते थे। इसे अवनली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी में होता है? चंबल नदी, क्योंकि ये बारह माह बहती है, बाकी नदियां तो दो तीन महीने बहती है अधिकांश, वहां अपरदन होगा ही का, और इसमें इसकी बहुत अधिक मात्रा में सहायक नदियां हैं तो पूरा पानी भी इसमें आता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखें, यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करें, पूछें, और से और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक आप इस चैनल को आगे भेजें, लिंक भेजें। धन्यवाद।